हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटोमोबाइल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और कॉमन फॉल्ट कोड P0340 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में। जब आप कार को डायग्नोज करें किसी भी स्कैनर से और कोड आए P0340 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, तो इसके लिए आपको केम सेंसर की लोकेशन का पता होना चाहिए। केम सेंसर कार के इंजन में हेड असेंबली में लगा हुआ होता है, जो कि केम की पोजीशन ECM को बताता है। ज़्यादातर कार में तीन वायर के सेंसर यूज़ किए गए हैं और इस सेंसर की तीनों वायर ECM से आती हैं। एक वायर में 5 वोल्ट, एक वायर में ग्राउंड और एक वायर आउटपुट सिग्नल होती है। जब ये कोड आए तो सबसे पहले आप इसकी एक वायर में 5 वोल्ट चेक करें, एक वायर में ग्राउंड चेक करें और तीसरी वायर जो आउटपुट सिग्नल की होती है उसको सेंसर से ECM तक मल्टीमीटर से बीप पॉइंट पर चेक करें। अगर करंट या ग्राउंड नहीं आ रहा है तो इन दोनों वायर की भी कॉन्टिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक करें, सेंसर से ECM तक। अगर वायरिंग ओके है तो कार का केम सेंसर खराब है। एक बार सेंसर के कपलर को, उसके ग्रिप को ज़रूर चेक करना चाहिए। ग्रिप लूज तो नहीं है या ग्रिप की पिन में कार्बन या रस्टिंग वगैरह तो नहीं है? कुछ कार में जब गाड़ी का सेल्फ लोड लेता है तब भी ये कोड जनरेट होता है। बैटरी डाउन होने पर भी ये कोड जनरेट होता है। कार का इंजन का टाइमिंग आउट होने पर भी ये कोड जनरेट होता है, लेकिन इन तीनों ही कंडीशन में कार स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ कार स्टार्ट होती हैं और कार में P0340 का कोड आता है, उन कार में लंबे सेल्फ लेकर कार का स्टार्ट होने के बाद एक्सीलेटर छोड़ने पर कार का इंजन बंद हो जाना, पिकअप डाउन होना और RPM फ्लक्चुएट होना जैसे सिम्टम्स आते हैं। कुछ कार में केम कट जाती है जिस जगह पर केम सेंसर स्कैन करता है। केम कटी होने की वजह से भी ये कोड क्लियर नहीं होता, उस कंडीशन में केम शाफ्ट को चेंज करना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें ओके हैं और फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो लास्ट में कार का ECM प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो कार का फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत से भाइयों के लिए हेल्पफुल होगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए फॉल्ट कोड के साथ। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा खुश रहिए। गुड बाय। जय हिंद।